ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से जितने भी भारतीय लौट रहे हैं, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, उन सब देशों से, उसमें तो सिविल जो फ्लाइट्स हैं वो तो लेकर आई नहीं है। भारतीय वायुसेना के 4C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, जो कि सबसे बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वायुसेना के, उनके जरिए भी लाया जा रहा है। और इस वक्त हम इंडियन एयरबेस पर मौजूद हैं, जहां पर चौथा एयरक्राफ्ट जो है C-17 वो लौटा है, और खुद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी अगवानी के लिए। खुद यहाँ पर जो उनके उनकी अगवानी के लिए और यहाँ पर छात्रों को खुद संबोधित कर रहे हैं रक्षा राज्य मंत्री। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इन चारों एयरक्राफ्ट में C-17 ग्लोब मास्टर में 798 भारतीय जो हैं वो यूक्रेन से लाए गए हैं। हिंडन एयरबेस गाजियाबाद के करीब, जहां पर पूरी जो बेड़ा है C-17 ग्लोब मास्टर का, वो यहां पर तैनात रहता है। बहुत बड़ा ये एयरक्राफ्ट है और 200 जो लोग हैं वो इस एयरक्राफ्ट में आ सकते हैं। जो अगर सीट्स लगी हुई हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पर लौटा है C-17 एयरक्राफ्ट, और यहाँ पर खुद रक्षा राज्य मंत्री जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं इन जो छात्रों को जो यहाँ पर लौटे हैं। तो इस तरह की चार जो फ्लाइट्स हैं वो अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनमें से दो रोमानिया से हैं। ये वाली जो फ्लाइट है ये रोमानिया से आई है, रोमानिया से दो फ्लाइट आ चुकी हैं, एक पोलैंड से आई है और एक आई है हंगरी से। ये चार एयरक्राफ्ट हैं जो ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना ने अपने चार जो C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को लगाया था इस पूरे ऑपरेशन में। कोशिशें भारत सरकार की जारी हैं कि जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं, भारतीय हैं जो फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनको निकाला जाए। अब तक की जो जानकारी है, करीब 17,000 के करीब जो हैं भारतीय जो है यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर जो हैं छात्र और छात्राएँ हैं। कुछ जो भारतीय हैं जो कि फंसे हुए हैं, खारकीव में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी कल एडवाइजरी जारी की गई थी, वो किसी तरह से वहां से निकले। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ जो आरोप लगे हैं रशिया ने और यूक्रेन दोनों ने ही लगाए हैं कि भारतीय कुछ जो हैं उनको बंधक भी बना लिया गया है। हालांकि इस बारे में अभी तक भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज राजपूत, ABP News, हिंडन एयरबेस।